कमेंट करके बताओ अगर कोई आ गया हो तो। अंजू गुप्ता। यस सर। ओके। ठीक। ठीक है, और भी लोग आ जाए फिर शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, आ चुके हैं लगभग लोग। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे आज, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। 9th ICSE में जो पहला टॉपिक है या पहला चैप्टर है वो क्या है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। दिख रहा है पूरा? अंजू गुप्ता सर, आई डोंट हैव द मैथ्स बुक। तो मैथ बुक खरीदो, मैथ बुक डाउनलोड करो। सर इवन आई डोंट हैव। देखो किसी क्लास से मिल जाए तो ठीक है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनो। ठीक है, मैथ की बुक देख लेना, अरेंज कर लेना। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर। सबसे पहले जानते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। क्या देखते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, मैथ्स की बुक जब अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में तो ले लीजिएगा, अभी तो ऐसे भी नहीं मिल पाएगी, सब बंद है। अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूं उसको देखते रहिए आप लोग। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है कि कोई भी नंबर यस। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूं इसको। देखो मैं यहां पे तुमको क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है, नंबर व्हिच, अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। एक ऐसा नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। Where p and q are integers and q does not equals to zero, और q जीरो के बराबर नहीं है। रैशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q जीरो के बराबर ना हो। ठीक है, तो अगर किसी नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे p और q क्या है, वो इंटीजर्स हैं और क्यू जीरो के बराबर नहीं है, तो वो नंबर क्या बोला जाएगा, रैशनल नंबर बोला जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। ठीक है, एग्जाम्पल यहां ऊपर देख लो।
क्या है एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो 1/2, ठीक है, 1/2 किस फॉर्म में, देखो p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, ठीक, जहां पे p क्या है 1 इंटीजर, q क्या है 2 इंटीजर, इंटीजर्स आप लोग जानते होंगे क्लास 8 में पढ़ा होगा, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, ठीक है, तो इसलिए मैं यहां केवल रैशनल नंबर से शुरू कर रहा हूं, ठीक है, रैशनल नंबर, थोड़ा सा इरेशनल नंबर बताएंगे और फिर दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं ये बताया जाएगा, ठीक। पल्लवी सर इट्स नॉट क्लियर, जो मैं लिख रहा हूं वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्लियर है कि नहीं, एक मिनट, अभी बताओ क्लियर हुआ, ठीक है, ठीक है, ओके। तो रैशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, अ नंबर हाँ ठीक है, जितना बोर्ड विजिबल है उसी में मैं लिखूंगा, ठीक है, कुछ लोगों को विजिबल नहीं हो रहा था इसलिए मैंने कैमरा पास कर लिया है, ओके हमें, ठीक, तो रैशनल नंबर क्या है, अ नंबर, मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, अ रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, अ रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0, यही यहां पे लिखा है, ठीक है, एक बार फिर से मैं बोल देता हूं, अ रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q Where p and q are integers, यहां पे जो सबसे मेन पॉइंट है वो यही है कि p और q क्या है, इंटीजर्स, ठीक है, p और q क्या है, इंटीजर्स, ओके, अभी विजुअल है ना, कंफर्मेशन दो, अभी विजिबल है, ठीक है, ठीक, ओके ओके, ठीक है, तो p/q के फॉर्म में नंबर हो, मतलब इस फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पे p और q दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो, 1/2 एक एग्जांपल मैंने लिया, यहां पे 1 और 2 दोनों क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है, और q क्या था, q यहां पे 2 है जो कि 0 के बराबर नहीं, ठीक है, तो ये होता है रैशनल नंबर, इंटीजर के बारे में आप लोगों को पता ही है, ठीक है, नेचुरल नंबर आप जानते हो, होल नंबर जानते हो, तो इसलिए 8 में जो पढ़ चुके हो उसके आगे थोड़ा बहुत हम शुरू करते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, मेन एम्फेसाइज जो हम करेंगे वो उस पर करेंगे कि दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना, जो कि पहली एक्सरसाइज में है आपके, तो उससे पहले हम थोड़ा सा रैशनल नंबर पढ़ लेते हैं और फिर इरेशनल नंबर पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में हो, जहां पे p और q इंटीजर हो और q 0 के बराबर ना हो, अच्छा जरा बताओ 0 क्या है, व्हाट अबाउट 0, 0 रैशनल है कि नहीं, 0 क्या है, रैशनल है कि नहीं, टाइप करो, जिसको लग रहा है 0 रैशनल है वो टाइप करे, कुछ लोग मना कर रहे हैं कि नहीं 0 रैशनल नहीं है,
अच्छा बताओ जीरो इंटीजर है कि नहीं? इज जीरो इंटीजर? साक्षी वाजपेयी होल नंबर। हाँ जीरो होल नंबर भी है, लेकिन क्या इंटीजर है कि नहीं? ठीक है, मुझे लग रहा है तुम लोग इंटीजर अभी समझ नहीं पा रहे हो कि इंटीजर क्या होता है। ठीक है, तुम्हें बताता हूं इंटीजर क्या होता है पहले, फिर तुम लोग समझ पाओगे होल नंबर रैशनल नंबर। ठीक है, इंटीजर क्या होता है ये सुनो, जीरो वन टू थ्री अप टू इनफाइनाइट, ये जितने नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं? होल नंबर्स। ये क्या होंगे? होल नंबर्स। अगर इसी में हम माइनस लगाते चले जाए, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और कहां तक? यहां इधर इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स ये हैं वो सब क्या होंगे? आपको ये देखना है कि जिस भी नंबर में डेसिमल पार्ट नहीं है दैट नंबर इज इंटीजर। ओके, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर। हाँ ठीक है, गुड। हाँ शिवम यादव, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। मैं लेकिन ये पूछ रहा था कि क्या ये इंटीजर है कि नहीं। ठीक है, हाँ तो तुमने इंटीजर बोला है, ठीक कुछ लोग बोले हैं। तो जीरो क्या है? एक इंटीजर है। तो इंटीजर क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पार्ट ना हो, जो कंप्लीट नंबर, जैसे वन टू थ्री, लेकिन यहीं कहीं लिखा हो 2.25, तो 2.25 क्या है? ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये इतना पार्ट इसमें डेसिमल प्रेजेंट है। ठीक है, तो जिस भी नंबर में डेसिमल पार्ट रहेगा वो हमारा इंटीजर नहीं रहेगा। बाकी जितने भी नंबर हैं, जीरो जितने भी होल नंबर हैं और फिर जितने भी नेचुरल नंबर, और उनके पहले अगर नेगेटिव साइन लगा दें, पूरा का पूरा होल नंबर और जितने नेचुरल नंबर्स हैं उन सब के पहले अगर नेगेटिव साइन लगाते चले जाए, तो इनका जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? इंटीजर। एक पहचान तो ये हो गई। दूसरी पहचान ये है कि किसी भी नंबर में अगर डेसिमल पार्ट अब्सेंट है, डेसिमल पार्ट जीरो है, तो दैट इज इंटीजर। ओके, टू थ्री और इधर भी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री अप टू इन्फिनिटी, ये पूरा कलेक्शन क्या बोला जाता है? इंटीजर। ठीक है, तो एक बार इंटीजर फिर से समझते हैं। इंटीजर क्या होता है? ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो वन टू थ्री इधर और फिर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इधर, ये सारे नंबर्स क्या होंगे? इंटीजर बोले जाएंगे। ऐसे नंबर जिनका डेसिमल पार्ट अब्सेंट है वो नंबर भी क्या बोले जाएंगे? इंटीजर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जीरो क्या है? जीरो क्या है? जीरो एक इंटीजर है। जीरो क्या है? इंटीजर। अगर जीरो इंटीजर है तो क्या जीरो को हम जीरो बाई वन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जीरो बाई वन क्या? जीरो बाई कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जीरो बाई वन में ये किस फॉर्म में लिखा गया? क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया? हाँ बिल्कुल, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया। तो अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में हम किसी नंबर को लिख सकें और पी और क्यू जो है दैट इज जीरो और वन, ये दोनों इंटीजर्स अगर हो तो वो नंबर क्या होता है? क्या होता है? रैशनल नंबर। ठीक है, तो जीरो बाई वन ये क्या है? रैशनल नंबर। दैट इज जीरो क्या है हमारा? एक रैशनल नंबर। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जीरो बाई एट लिख दो। तो यहां भी जीरो क्या है? इंटीजर है। एट क्या है? इंटीजर है, तो भी जीरो आया। ये जीरो क्या हुआ? एक रैशनल नंबर। ठीक, तो ये था, ये रैशनल नंबर है। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर में किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक क्लियर है? कमेंट करके बताओ। यहां तक क्लियर था रैशनल नंबर? चलो अच्छा एग्जांपल लो, इससे बताओ। हाँ बिल्कुल रैशनल है। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों को। अच्छा बताओ, 19.1 बाय 5 ये रैशनल है?
19.1 by 5 आंसर करिए 19.1 by 5 रैशनल है कि नहीं। देखो 19.1 by 5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं by 50, 191 by 50। अब 191 by 50 ये दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। 191 भी इंटीजर है और 50 भी इंटीजर, तो ये किस फॉर्म में हो गया, p by q के फॉर्म में हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। ठीक है, यहां पे एक चीज जो देखने वाली बात है कि यहां पे हम एक 19.1 देखेंगे तो हमको ये नहीं लगना चाहिए कि ये 19.1 क्या है, ये तो इंटीजर नहीं है, और आपने आपने ये बताया है कि p और q में दोनों इंटीजर होने चाहिए। हाँ 19.1 यहां इंटीजर नहीं है, लेकिन ये एक टर्मिनेटिंग है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है, और टर्मिनेटिंग नंबर को हम बाई 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी टर्मिनेटिंग नंबर को हम बाई 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया 1.25, क्या लिख दिया 1.25, तो 1.25 को लिखा जा सकता है 125 अपॉन 100, तो 125 अपॉन 100 क्या हो गया, रैशनल हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से 19.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 19.1 को लिख सकते हैं 19.1 इज इक्वल टू 191 अपॉन 10, और यही चीज हमने यहां पे की है, 10 से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, 50 हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई, कंफर्म करो। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। ठीक है, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो p by q के फॉर्म में ना लिखे जा सके, नंबर्स which cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers and q does not equals to zero। ठीक है, जो numbers p by q के उसी का बस opposite है, ठीक है, या उसी का negative मान सकते हो, a number which cannot be written in the form of p by q where p and q are integers। तो बेसिकली यहां पे जो बात है कि हम नंबर को p by q के फॉर्म में ना लिख सके, ना लिखने का मतलब यह है कि p और q, एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया एक √2, क्या ले लिया, √2। √2 जो है, क्या √2 एक परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 2, क्या 2 एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा, वो तो डेसिमल में आएगा, वो क्या आएगा, डेसिमल में आएगा, और कैसा डेसिमल होगा, वो डेसिमल हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, वो डेसिमल हमारा कभी खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, वो ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक, तो जैसे 1.414, तो इसके आगे और भी पता नहीं कितने डिजिट्स आएंगे, ये कभी खत्म होने वाला नहीं। ठीक, तो रूट टू क्या होगा, 1.414 होगा, तो रूट टू को हम क्या लिख सकते हैं, √2 by 1, ऐसे लिखा जा सकता है। अब √2 by 1 अगर है
तो अब हमने इसको तो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, क्या किया पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख तो दिया। अब यहां तो हमने जो डेफिनेशन बताई है उसमें क्या बोला है कि कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, बट जो मेन चीज है वो ये है वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो क्या यहां पे रूट टू और वन में दोनों इंटीजर है? नहीं, केवल इंटीजर कौन है? वन है। रूट टू नहीं है इंटीजर, क्योंकि रूट टू की वैल्यू क्या होती है? ये होती है, और ये कभी एंड होने वाली नहीं है। और जब कभी एंड नहीं होने वाली है तो उसको हम उस फॉर्म में नहीं लिख सकते जैसा कि हमने रैशनल के लिए बताया था। ठीक है, ठीक है, प्लीज रिपीट। ठीक है, रिपीट कर देते हैं। इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया रूट टू। ठीक है, क्या लिया? रूट टू। अब रूट टू को क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्या रूट टू को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आंसर आएगा हाँ, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो क्या हम रूट टू को रूट टू वाई वन नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज जो कही गई है कि पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स। ठीक है, तो पी और क्यू इंटीजर्स में क्या यहां पे दोनों इंटीजर्स हैं? ये हुआ पी और ये हुआ क्यू। क्यू तो यहां पे इंटीजर है, क्यू इंटीजर है वन, लेकिन क्या रूट टू इंटीजर है? नहीं, रूट टू हमारा इंटीजर नहीं, ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि रूट टू क्या है? रूट टू हमारा रूट टू 1.414 और ऐसे चलता रहता। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कभी टर्मिनेट नहीं करता। ठीक है, और जब कभी टर्मिनेट नहीं करेगा तो इसको हम बाय 10 या बाय 1000 इस फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते। जैसे मान लो कोई नंबर हुआ 1.25, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 125 बाय 100, ये लिखा जा सकता है। क्यों, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, अगर कोई नंबर है 1.25 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 125 बाय 100। अगर कोई नंबर है 1.6235 तो इसको क्या लिख सकते हैं? 16235 बाय 10,000। तो ये तब हम लिख पा रहे हैं जब ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है, जब ये नंबर आफ्टर सर्टेन डिजिट टर्मिनेट हो रहा है। लेकिन अगर कोई नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो उसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसीलिए उसने कहा कि पी वाई क्यू के फॉर्म में इसको नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, जहां पे पी और क्यू दोनों इंटीजर। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो ऐसे नंबर्स जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते जहां पे पी और क्यू दोनों इंटीजर हों। अगर हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख भी सकेंगे तो भी तो वहां पे पी और क्यू दोनों इंटीजर नहीं होंगे। ओके, यहां तक बात समझ में आई? कमेंट करके बताओ। कमेंट करके बताइए यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, ठीक है, तो एग्जांपल क्या क्या हो गया रैशनल इरेशनल का? इरेशनल नंबर के एग्जांपल क्या क्या हो गए? रूट टू हो गया, रूट थ्री हो गया, रूट फाइव हो गया, रूट सिक्स हो गया, ठीक है, और पाई भी हो गया। एक चीज ध्यान देना तुम लोग, 2.12 भी रैशनल नंबर है। अगर 2.12 लिखते हो अंजू गुप्ता, हाँ 2.12 लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा? 212/100, क्योंकि ये दो डिजिट बार टर्मिनेट कर जा रहा है, तो इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रैशनल हो जाएगा। तो ये रैशनल नंबर की जो एग्जांपल्स है वो क्या क्या है? रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स और पाई। पाई क्या है? पाई क्यों है? क्योंकि पाई जो है उसका भी डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है का या फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा तो वो हमेशा इरेशनल होगा। कैसे?
क्योंकि पाई को जनरेट, पाई को जो वैल्यू इसकी मानी गई है वो क्या है 22/7, क्या है 22/7, और यही रहता है 3.14 समथिंग दिस, ठीक है डॉट डॉट डॉट। अब 22/7 जो आया है, ये 22/7 कहां से आया है, 22/7 में ये सर्कमफेरेंस सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल अपॉन डायमीटर ऑफ सर्किल, पाई क्या होता है, पाई होता है, पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर, पाई क्या होता है सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल और उसकी डायमीटर का रेशियो होता है। अब सपोज करो आपने डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के सर्किल्स बनाए और उसकी सर्कमफेरेंस और उसके डायमीटर का हम रेशियो निकाले, कई सर्किल्स ऐसे बना लिए डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स के या डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के, और फिर हमने क्या किया कि जो सर्कमफेरेंस आई डिफरेंट डिफरेंट सर्किल्स के उनका और हर एक सर्कमफेरेंस का उसके रिस्पेक्टिव डायमीटर से रेशियो लिया, तो वो जो रेशियो आ रहा था वो हर बार लगभग कितना आ रहा था, अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा था, वो यही आ रहा था 22/7, वो कितना आ रहा था 22/7, ठीक है। और चूंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन आगे करते जाते हैं तो ये कभी टर्मिनेट नहीं करता और ना ही रिपीट कर रहा है, तो इरेशनल नंबर की सबसे अच्छी पहचान ये है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो कभी टर्मिनेट करता है और ना ही कभी रिपीट करता है, ठीक। इतनी बात समझ में आई, कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स के क्या क्या हो गए, √2, √3, √5 एंड √6, ठीक ठीक ओके, √2, √3, √5, √6 पाई, ठीक है, ये सब क्या हो गए इरेशनल नंबर्स हो गए। तो एक चीज जान लो, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, या स्क्वायर रूट के अंदर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है या स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। जैसे जैसे ये √2, √3, √5, √6, प्राइम, ये प्राइम, अब 6 तो प्राइम नहीं है लेकिन ये क्या है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये याद रखो कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर की, ठीक है। रेशनल और इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं, उनका डेसिमल एक्सपेंशन होता कैसे, ठीक। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, बात क्या कर रहे हैं हम, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन किसका, रैशनल का और इरेशनल का। तो रैशनल का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो हमें दो तरीके से हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा और या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। और इरेशनल का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमेशा क्या होगा, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक।
ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, और रैशनल नंबर का क्या होगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब अच्छा ये होते क्या है इसको देखते हैं। टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब है अभी समझाया कि जैसे 1.25, तो ये क्या हुआ, दो डिजिट के बाद क्या कर गया, टर्मिनेट कर गया, दो डिजिट बाद टर्मिनेट कर गया। इसी तरीके से जैसे मान लो 7.5, तो ये भी क्या हुआ, दो डिजिट के बाद टर्मिनेट कर गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही कहूं कि कोई नंबर है 3.33333 ऐसे आता चला जाए और कभी एंड ना हो, ठीक है, तो ये नंबर हमेशा क्या होगा, ये नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट कर रहा है कि नहीं, रिपीट कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये दोनों टाइप के नंबर होंगे। ठीक है, तो 3.33 ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इसी तरीके से मान लो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की बात करें तो वो कैसे हो सकता है, वो इस तरीके से होगा कुछ, जैसे मान लो हम लिखें 0.10, फिर लिया 100, फिर ले लिया 1000, फिर ले लिया 1000, आगे ऐसे बढ़ाते रहे, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि देखो 1 के बाद फिर 2 आ गए, फिर 1 के बाद 3 आ गए, फिर 1 के बाद 4 आ गए, ऐसे बढ़ते रह रहे हैं और ना ही एंड हो रहे हैं, एंड भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। और यही रैशनल नंबर में क्या होता है, या तो टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेट का मतलब जैसे 1.25, 7.5, मतलब डेसिमल के कुछ डिजिट बाद वही खत्म हो जाएगा डिवीजन। लेकिन इसमें दूसरा जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में, उसमें क्या है, टर्मिनेट तो नहीं करेगा लेकिन कुछ नंबर रिपीट करेंगे। अब इरेशनल में क्या है, इरेशनल में है कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ना तो टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई यहां तक, कमेंट करके बताओ। कमेंट करके बताइए, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे की क्लास में जो हम पढ़ेंगे, ठीक 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 ओके ओके, आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक ठीक आगे की क्लास में हम दिया कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। ठीक है, ओके ठीक है, मैं क्लास खत्म कर